की पॉइंटिंग जरा बाहर आ। अब बाहर आप बकवास कर बैठ के ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीत गया हम बाउंस बैक करेंगे। बेटा कोई बाउंस बैक तेरे अंदर बैक कर दिया, तेरी बैक में दे दिया वो बाउंस बैक। ओह माय गॉड यार, यंग टीम इंडिया ने, यंग लड़कों ने, युवा खिलाड़ियों ने क्या कमाल किया है यार। वो कमाल जो पाकिस्तान के सीनियर्स ना कर पाए, शाहिन शाह अफरीदी ना कर पाया, पाकिस्तानी टीम ना कर पाई, वो इंडिया की सी टीम ने, इंडिया के यंग खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीतने का कॉन्फिडेंस लेके आया हुआ ऑस्ट्रेलिया। मैथ्यू वेड को कप्तान बनाया हुआ है, जेम्पा को भी खिलाया जितने गोटे गिट्टे सलामत है, मैक्सवेल के, जेम्पा के, ट्रेविस हेड के, स्टोइनिस के, जिस जिस को खिला सकते थे खिलाया। बट यंग खिलाड़ियों ने, युवा खिलाड़ियों ने 4-1 से सीरीज की बर्तरी याद। आज 160 रन भी नहीं बनाने हुए, वो बगैर तो कोई शर्म कर लो थोड़ी सी। बातें आप इस तरह कर रहे होते हो, ट्रॉफियां आप इस तरह लेके जा रहे हो जिस तरह मतलब आप ही हो। और यार क्या लुल्लट टीम है आपकी। आप रवि बिश्नोई की अहमियत को किसी भी सूरत में मिनिमाइज नहीं कर सकते रिजवान। वो पावर प्ले में आता है, सिवाय एक ओकेजन के हमेशा इस सीरीज में उसने, और आपको बड़ी विकेट है। आप देखिए बोल नहीं करता, चाहे ट्रेविस हेड हो चाहे कोई भी हो, करता ये बोल लिया 29 रन। मैकडरमॉट ने आखिरी ओवर में इसका छक्का मारा, फिर भी 29 रन। तो अक्षर पटेल माय माय माय, देखिए कितना बड़ा जुल्म है। एक बंदा मेरे नजदीक, अगर आप मुझे कहना पिक वन बॉलर मोहसिन साहब फ्रॉम 5 T20, आई विल लाइक दिस पिक अक्षर पटेल। आप देखिए आई विल पिक हिम, स्कोर भी किया 14 रन रिजवान साहब, 14 रन, 4 ओवर 24 बॉले, 14 रन 14। और वो बिश्नोई भी ठीक है, बेशक 29 रन आए हैं, लेकिन 4 ओवर में 2 बड़ी विकेट भी लेके गया। बहरहाल देखें ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, कोई माने या ना माने, इंडिया के ये जो बॉलर है सारे सारे, ना हर्षदीप का कोई कॉन्फिडेंस है, ना मुकेश, जितना भी पका हुआ चावल है जितना भी है, लेकिन देखें मैच तो बड़ा था। हेड जैसे और वेड जैसा, वेड हमारे शाहिन शाह को जब टॉप पे था शाहिन, ये याद रखे 2021 में शाहिन, ये 2023 वाला नहीं है, वो टॉप पे था शाहिन। जिस तरह इसने उसको कैच छूटते हैं, मुझे ना बताए कोई कैच कैच छूट जाते हैं, जिस तरह इसने उसको छक्के मारे वेड ने, तो भाईजान वेड जैसे को बॉल करना ये इंडिया की बहुत बड़ी यंग गन्स की कामयाबी है। बहुत बड़ा ये मैच ये जीते आज, ये मैच इनके हाथ में था, 3 विकेट 55 पे, चौथी गई 47 की पार्टनरशिप आई 102। ये वहां से जिस तरह इंडिया मैच वापस, और वो वापस लाए हैं मुकेश और हर्षदीप, वहां से वापस लाए हैं मैच को, कि जहां पे मैच भाग गया तकरीबन निकल, 3 ओवर में 32 था, 4 ओवर में 37 चाहिए था, लेकिन जिस तरह मुकेश ने ओवर और आखिरी ओवर जो है वो बहुत ही कमाल का हुआ। घंटा बजा दिया इंडिया ने, पकड़ गया आज आपका। फिर भी इंडिया ने आज उतनी अच्छी की बैटिंग नहीं की, और फिर भी वो इतनी जबरदस्त बॉलिंग कर गए हैं, चोनू ने आपका पकड़ के घंटा बजा दिया, और घंटा बजा दिया मेरा बेटा, घंटा बजा दिया। अब इंडिया की हार का गुस्सा ना पाकिस्तान टीम पे उतारना, क्योंकि वो भी गई हुई है ऑस्ट्रेलिया, आगे टेस्ट सीरीज आपकी पाकिस्तान के साथ है। इंडिया ने तो आपकी ठुकाई कर दी है, इंडिया की यंग टीम ने आपका पकड़ के घंटा बजा दिया, आपके अंदर पकड़ कर डंडा दे दिया। अब पाओ ना जरा, इंडिया जीत चुका है भाई, फील्डर जीत गया, बहुत कमाल किस्म का मुकाबला हुआ, बहुत कमाल किस्म का नर्व आप कह लेंगे कंट्रोल करने वाला मुकाबला था, और आखिर में हर्षदीप सिंह ने भी अपनी नर्व कंट्रोल की अगेंस्ट मैथ्यू वेड, जिन्होंने फेमस है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट को फिनिश करने में, जैसे उन्होंने वो शाहीन के अगेंस्ट फिनिश किया था। वो उस टाइम पर लेफ्ट हैंडर शाहीन थे, लेकिन इस टाइम पर जो लेफ्ट हैंडर थे ये मौजूद थे यहाँ पर हर्षदीप सिंह, और इन्होंने रन नहीं बनाने दिए, 10 रन। क्या कमाल किस्म का आखिरी ओवर फेंका, और मुकेश ने जिस तरह शुरू में अच्छे विकेट्स लेकर दिए, कमाल किस्म का मुकाबला हुआ, जबरदस्त किस्म का थ्रिलिंग कंपटीशन में इंडिया जीत गया। नहीं भाई, लास्ट ओवर का देखने का अपना ही मजा था, लास्ट ओवर थ्रिलर हुआ। उससे पहले अगर आप देखो तो मैच यूं तराजू की तरह था, मुकेश कुमार ने
इंडिया को हीरोइक कमबैक करवाया। उससे पहले अगर आप बात करो तो अजदीप का बहुत ही गंदा ओवर रहा, फुल टॉस डाला, छक्का गया, फिर चौका गया, बिल्कुल इंडिया के हाथ से कहानी निकल गई थी। फिर नुकेश कुमार ने दो बॉलों पे दो विकेटें ली और अपना बेहतरीन ओवर डाला, जिसके बाद इंडिया एक बार बहुत ही हीरोइक कमबैक किया। लेकिन फिर आखिर सेकंड लास्ट जो ओवर था, जो अवेश का आखिरी ओवर था, उसमें उनको बैक टू बैक मैथ्यू वेट ने चौके मारे और एक बार फिर से इंडिया बैकफुट पे चला गया, ऑस्ट्रेलिया फ्रंट फुट पे आ गया। ये वही अर्शदीप है जो कि हम बार बार जिनकी बात करते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो जाते हैं, स्पेशली पेनल्टीमेट ओवर्स में इनकी एक्सपेंसिव होने की काफी दफा हमने चर्चा सुनी क्या देखी, मगर आज जो है वो करके दिखाया और घसीट के मैच वापस इंडिया की तरफ लेकर आए। जबरदस्त आउट ऑफ नोवेयर विक्ट्री आ गई और 161 ऐसा लग रहा था कि डिफिकल्ट नहीं हो पाएगा, स्पेशली जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को आगाज मिला था। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग का आगाज बड़ा तगड़ा किया, फिर एकदम से रवि बिश्नोई है, उन्होंने पहली ओवर में अपना विकेट निकाला और मोमेंटम को शिफ्ट कर दिया। यार व्हाट अ बॉय ही इज, एक यंगस्टर, और एक यंगस्टर को जब मौका मिले और उस मौके को भरपूर वो फायदा उठाए, वो इस तरह रवि बिश्नोई की तरह अपनी परफॉर्मेंसेस को टॉप ऑफ द लाइन लाके रखता है। आज दो ओवरों में दो विकेट लेके रवि बिश्नोई ने एक आउटसाइड चांस दिया टीम इंडिया को। यार 50 रन ऑलरेडी ठोक दिए थे 5 ओवर के अंदर, 160 चेस करना था, 170 ऑड रन भी नहीं था। बेंगलुरु की विकेट थी जहां एक आपको पता है कि मेज है कि 160 रन तो यहाँ डिफेंडेबल करने का कोई मजाक ही नहीं, रन ही रन बनते हैं यहाँ तो। बेंगलुरु के ऊपर 160 को डिफेंड करके चले गए और क्या कमाल के तरीके से यार, मतलब यहाँ विकेटें निकालते गए। वही कहते हैं ना कि रन, जब आपका स्कोर कम होता है ना तो रन शन ही डिफेंड होते हैं, आपको विकेटें लेनी पड़ती हैं। और कैसे मजा आता है, मतलब इंडिया ने प्रूव करना था, इस सीरीज में इंडिया अपने नाम कर ही चुका था ऑलरेडी, लेकिन इंडिया ने प्रूव करना था कि इंडिया इंडिया है, नो वन इज लाइक इंडिया, और वो उसे प्रूव कर दिया। आप देखे ब्लू 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 ऑल ब्लू, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू इंडिया। आप लोगों ने ना, आप लोग हमेशा प्रूव करते हैं, आप लोगों पे ट्रस्ट किया जाए ना, आप लोग उस पीस पूरा उतरते हो, एंड दैट इज समथिंग आई वुड से सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। जहां पर वेड ने चौके मारने शुरू कर दिए थे, मैं कह लो भी मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा नहीं इससे आगे हमसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पांचवा मैच था और इस मैच में इंडिया ने जीत हासिल की है। 160 रन का स्कोर किया था टीम इंडिया ने और उसके जवाब में 154 रन ही बना पाई टीम ऑस्ट्रेलिया, और इसी के साथ ही ये मैच भी जीता और टीम इंडिया ने ये सीरीज़ भी जीत ली है। 4-1 से ये जीती है इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया जहाँ वो वर्ल्ड कप जीत के आई थी, अब इनसे 160 रन भी चेंज नहीं हो रहे, और कहाँ टीम ऑस्ट्रेलिया की जो मेन टीम है उसके सामने टीम बी है इंडिया की, यानी मेन खिलाड़ी जो है इंडिया की टीम में वो नहीं है, उसके बावजूद भी जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और ये जो सीरीज़ है वो 4-1 से जीती है। तो भाई ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि मेन खिलाड़ी है नहीं इसके अंदर, उसके बावजूद भी जो है इंडिया की टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। इस मैच में रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव ने अच्छा स्कोर किया है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और उसके बाद ये जो 5 मैचों की सीरीज़ थी उसमें टीम इंडिया जो है ये मैच सीरीज जीत गई है। तो दोस्तों अब आने वाले T20 मैचों में भी इंडिया के साउथ अफ्रीका के साथ भी ये मैच होने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।